नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तन मन धन में। दोस्तों, आज मैं आपको हेप्टोग्लोबिन सिरप की पूरी जानकारी दूंगा, किन किन रोगों में इसका सेवन लाभकारी है और इस दवाई का सेवन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस दवाई का मेन काम होता है कमजोरी को दूर करना। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टर कमजोरी को दूर करने के लिए इस दवा को देते हैं। दोस्तों, ये दवा मरीज के रोग और उम्र को देखकर दी जाती है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिनको भी खून की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है या फिर कमजोरी महसूस होती है और शरीर में खून बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर खून चढ़ाना पड़ेगा तो भी ये दवा अगर दी जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और खून की कमी को बहुत ही जल्दी ये पूरा कर देती है। दोस्तों, ये दवा शरीर को मजबूत बनाती है, खून की कमी को दूर करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इसके अलावा इसके यूज़ से भूख भी बढ़ जाती है। सुस्तीपन को दूर करके ये शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है और विशेषकर महिलाओं के लिए ये दवाई बड़े काम की है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं में खून की कमी देखी गई है। एमेनिया रोग में भी इस दवा को लिया जा सकता है। दोस्तों, मेरे पास है इस दवा का 450 ml का पैक और इसका जो MRP है वो है 298 rupees और 2 साल तक इसकी लाइफ रहती है। ये दवा ख़राब नहीं होती है, एक बहुत ही पुरानी दवाई है और एक ट्रस्टेड दवाई भी इसे आप बोल सकते हैं। इसे अब आपको लेना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। इसे आप 10 ml ले सकते हैं, सुबह लीजिए और शाम लीजिए। अगर बच्चे को देना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी माताएं स्तनपान कराने वाली हैं उनको इस दवा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उनको भी इस दवा को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल बटन वाला घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।